Good morning everyone. This is Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B2. Our subject is SST and in SST from today we are starting history. In today's video I will explain you worksheet 5. So before starting the work like always you all have to mention today's date in your copies that is 14 December 2020. With this, you have to mention online classwork in your copies, and with this, you have to mention chapter 9 in your copies with the topic. Topic of the chapter is Vital Villages Thriving Towns. So, as you all have seen, that uh, before yesterday, we have completed our both chapters of civics, and from today, we have started the new chapter of history, which is chapter 9. So, for the explanation of Vital Villages Thriving Towns chapter, I have already provided you two YouTube links in your group.

उसे जाना जाता है इरिगेशन के नेम से सेकंड संगम द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन तमिल लैंग्वेज वर नोन एज संगम सो जो स्टार्टिंग के कॉम्पोजिशन है तमिल लैंग्वेज में तमिल भाषा में उनको संगम के नेम से जाना जाता है थर्ड की वर्ड इज रिंग वेल रोज ऑफ पॉट्स और सिरेमिक रिंग्स अरेन्ज्ड वन ऑन ऑन द टॉप ऑफ अदर आर नोन एज रिंग वेल्स सो रोज होती हैं जो पॉट्स की आपने देखा होगा और सिरेमिक रिंग्स होते हैं यू you नो know, वो अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर पुराने टाइम में हुआ करते थे और इनको रिंग वेल्स के नेम से जाना जाता है नेक्स्ट आता है फोर्थ श्रेणीज मेनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज श्रेणीज तो बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन और जो मर्चेंट्स थे उन्होंने एक यू uh, नो you know, संस्था एसोसिएशन फॉर्म की थी जिसको श्रेणीज के नाम से जाना जाता है फिफ्थ वन इज ग्रहपतिज द इंडिपेंडेंट फार्मर्स वर नोन एज ग्रहपति सो तमिल में जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स uh, थे उनको जाना जाता था गृहपति के नेम से नेक्स्ट इज एक्सरसाइज वन फिल द्लैंक्स डैश वॉज अ गुड सॉरी डैश वॉज अ वर्ड यूज फॉर लार्ज लैंड ओनर इन तमिल आंसर इज वेलेर सो वेलर एक शब्द है जो बड़े लैंड ओनर हुआ करते थे तमिल में जिनके लिए यूज किया जाता सेकेंड वन इज़ द ग्रामा भोजका ऑफन गॉड हिज़ लैंड कल्टिवेटेड बाय द स्लेब्स एंड हायर्ड वर्कर्स सो जो ग्रामा भोजका हुआ करते थे वो अपनी जो लैंड होती थी उनके जो फील्ड्स होते थे उनको कल्टिवेट कराया करते थे उन पर खेती कराया करते थे किन के द्वारा स्लेब्स एंड हायर्ड वर्कर्स के द्वारा जो गुलाम हुआ करते थे और जो वर्कर्स जिनको वो हायर करते थे उनके द्वारा कराते थे थर्ड वन इज प्लग मैन वॉर नोन एज इन तमिल सो तमिल लैंग्वेज में जो प्लग मैन होते थे खेत जोतने वाले मैन जो होते थे उनको उधावर के नेम से जाना जाता था फोर्थ वन इज मोस्ट वर स्मॉलर लैंड ओनर्स सो ज्यादातर ग्रहपतिज कौन थे जिनकी छोटी छोटी लैंड हुआ करती थी स्मॉल लैंड ओनर्स ओनर्स जो हुआ करते थे उनको ग्रहपतिज के नेम से जाना जाता था नेक्स्ट इज गिव आंसर्स इन वन वर्ड क्वेश्चन नंबर वन इज द इंडिपेंडेंट फार्मर्स वर नोन एज एज आई हैव जस्ट एक्सप्लेन इन द फिल्म इन इन द ब्लैंक्स कि जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स हुआ करते थे उनको जाना जाता था गृहपतिज के नेम से सेकेंड इज द लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स इन तमिल वर नोन एज सो जो लैंडलेस लेबरर्स हुआ करते थे जिनके पास अपना फील्ड नहीं होता था उनमें स्लेव्स भी आते थे तमिल में उनको किस नाम से जाना जाता था दे वर नोन एज कड़ाई सी आर एंड अधिमाई

संरक्षित किया गया लिखा गया बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा उनको जाना जाता था जातक स्टोरीज के नेम से क्वेश्चन नंबर फाइव इज व्हाट इज द ग्रीक नेम फॉर बरूच द क्रूशियल ट्रेडिंग पॉइंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट सो वेस्टर्न कोस्ट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट था जिसका नेम था भरूच उसको उसका ग्रीक नेम क्या था आंसर इज बैरीगाजा नेक्स्ट इज एक्सरसाइज फोर चूज द करेक्ट आंसर फर्स्ट फॉर उनका यूज किस लिए किया जाता था? इिगेशन ड्रेनेज ड्रेनेज मींस होता है जल निकास सेकेंड पंच वर मेड ऑफ जो पंच मार्क्स थी वो किसके द्वारा बनी हुई थी सिल्वर टिन गोल्ड आइवरी एंड द आंसर इज सिल्वर थर्ड क्वेश्चन इज मथुरा वॉज एन इम्पॉर्टेंट village port religious center forested area so mathura was an important religious center question number four is trainees were associations of shreenis kiski associ association hua karte thi rulers craft persons farmers herders answer is craft persons so these were the keywords and exercises related to chapter 9 i hope everything is clear to all of you if still any confusion is there so you can ask me on the whatsapp also I'll meet you in the another explanation video till that keep learning stay home stay safe bye bye everyone